आज 20 मई है, साल के पांचवें महीने का ये 20वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। हर साल 20 मई को पूरी दुनिया में विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। मधुमक्खियां हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके बनाए अत्यंत पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर शहद का उपयोग तो लगभग हर घर में होता ही है। हमारे भोजन में उपयोग आने वाले अनाज, फल, सब्जियों को उगाने में भी मधुमक्खियों की अहम भूमिका रहती है। मधुमक्खियां, तितलियां, चमगादड़ और चिड़ियों जैसे परागण को महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने, उनके सामने कई तरह के खतरों और विकास में उनके योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया था। आपको बता दें कि पहली बार 20 मई 2018 को ये दिवस मनाया गया था। 20 मई का दिन बिपिन चंद्र पाल के निधन के रूप में भी दर्ज है। वो एक स्वतंत्रता सेनानी होने के अलावा शिक्षक, पत्रकार और लेखक भी थे। भारत की आजादी में लाल बाल पाल की अहम भूमिका मानी जाती है। इनमें लाल थे लाला लाजपत राय, बाल थे बाल गंगाधर तिलक और पाल थे बिपिन चंद्र पाल। इस तिकड़ी ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। साल 1932 में आज ही के दिन उनका कोलकाता में निधन हुआ था। झारखंड की पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला होने का गौरव आज ही के दिन हासिल किया था। इन्होंने 2011 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। साथ ही ये भारत की पहली महिला हैं जिनके नाम 50 साल की उम्र में विश्व के 7 सर्वोच्च शिखरों को फतह कर उन पर तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड है। हिंदी जगत के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म आज ही के दिन 1900 में उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कौसानी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगा दत्त था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता स्वर्ग सिधार गई थी। इनका लालन पालन पिता और दादी ने किया। सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही विशाल हृदय के मनुष्य थे। लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि हिंदी साहित्य की कल्पना महान लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी के बिना नहीं की जा सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।